वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 9 में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने ये फिफ्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म में, फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ एक्सपांड फॉर्म क्या होता है, आपको भी मालूम ही होगा। अब देखो, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 2 7 9 4 0 4, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आप 2 लिख दीजिए मल्टीप्लाई 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको 10:2 क्या कर देना है, 5 प्लस यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7 × 10, 7 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 4, प्लस यहाँ पे 9 है, तो 9 × 10, मगर 9 के पीछे कितने नंबर, 1 2 3 3 लिख देना है, प्लस यहाँ पे 4 है और 4 के पीछे 2 डिजिट हैं, तो 10:2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आपको 0 काउंट नहीं करना है, और 4 के पीछे कुछ नहीं है, तो 4 × 10, और 4 के पीछे कुछ भी नहीं है तो आप क्या लगाओगे, 0। ये हुआ आपका एक्सपांडेड फॉर्म। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। अब मैं डिजिट काउंट नहीं करूंगा, 2 × 10^1 2 3 4 प्लस 0 को काउंट नहीं करना है, 6 × 10^6 के बाद में 1 डिजिट है, 1 प्लस 8 के बाद में कुछ भी नहीं है, 10^0। थर्ड ट्राई करते हैं, 1 2 0 7 1 9, 1 × 10^5 प्लस 2 × 10 × 4 प्लस 7 × 10^2 प्लस 1 × 10^1 प्लस 9 × 10^0, राइट। अब हमने यहां पे जो किया इसका उल्टा यहां पे करना है, ठीक है। अब ये बड़े बड़े नंबर में से छोटा नंबर बनाना है, हमने यहाँ पे छोटे में से बड़ा नंबर बनाया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अब पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 के बाद में 4 0 मतलब कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 6 के बाद में 3 0 मतलब 6000 प्लस 0 है तो काउंट नहीं करना है, 0 काउंट नहीं कर देना आपको। 4 के बीच में 1 0 है तो 40 प्लस 5 के बाद में 1 0 कुछ भी नहीं है तो 5 अकेला, आप इनको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 0 लगाए, 3 है तो मैंने 3 0 लगाए, 2 है तो मैंने 2 मतलब 0 है तो काउंट नहीं किया, 4 के बाद में 1 0 है तो 1 0 लगाया, अब ये 0 है ही नहीं तो 5 अकेला रख दिया। तो ये हो गया आपका 8 6 0 4 5। सिमिलरली यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा और 4 0 लगाने हैं, 7 लिखूंगा और 2 0 लगाने हैं, और यहाँ पे 5 ऊपर एक भी 0 है मतलब कुछ नहीं लगाना है। फाइव जीरो सेवन जीरो थ्री, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा आखिरी पार्ट होगा, और इसमें कुछ मैं आपको साइंटिफिक फॉर्म के बारे में बताऊंगा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करें तो ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं पार्ट 10 नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बार इन फॉर्मूलों को लर्न करना ना भूलें। फॉर्मूला लर्न कीजिए, एक्सपोनेंट आपके हाथ में हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंट आपको क्लास 7 में ही पढ़ना है, क्लास 8 9 10 जहाँ जहाँ जब जब आप मैथ्स पढ़ोगे, एक्सपोनेंट लीनियर इक्वेशन एलजेब्रा तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए एक्सपोनेंट को आप अपनी तरीके से ही लर्न करें। थैंक यू सो मच।